Hey guys, what's up? Assalamualaikum. मैं हूं हमजा सादिक और आज हम बात करने वाले हैं Redmi Note 10 सीरीज़ के बारे में. जिस तरह कि आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं, जो कि आपको आईकॉर्ड में नज़र भी आ रही होगी, Redmi Note 10 Pro के बारे में हमने बात की थी, जो कि Redmi Note 10 सीरीज़ का सबसे ज़्यादा एंटिसिपेटेड फ़ोन है. तो 8 मार्च को हमें ये देखने को मिल जाएगा और एज़ फार एज़ आई कैन अंडरस्टैंड 50,000 के आसपास के प्राइस टैग में हमें देखने को मिल जाएगा. तो Redmi Note 10 की प्रो की बात तो एक पूरी वीडियो में हो गई, तो अब बात कर लेते हैं Redmi Note 10 सीरीज़ के बकाया 3 फोन के बारे में. अब Redmi Note 10 सीरीज़ के बकाया 3 फोन्स जो हमें सीरीज़ में देखने को मिल जाते हैं, उनमें आता है Redmi Note 10, Redmi Note 10 S और Redmi Note 10 5G से कन्फ्यूज नहीं होना, उसके बारे में एंड पर बात करेंगे, जो कि Redmi Note 10 5G है. सबसे पहले बात कर लेते हैं Redmi Note 10 की. ये Redmi Note 10 Pro से निचला मॉडल है, तो इसमें हमें कुछ डिफरेंस देखने को मिल जाते हैं. इसमें AMOLED स्क्रीन ज़रूर लगाई गई है और इनफैक्ट इसमें एक छोटी AMOLED लगाई गई है 6.43 इंच की, जो कि मैं तो यही प्रेफर करता कि इस साइज़ में Note 10 Pro को भी दे देते, लेकिन उन्होंने Note 10 Pro में 6.7 इंच रखा और Note 10 में 6.43 इंच की AMOLED रखी. अब इसके साथ कोई हर्ट्ज मेंशन नहीं किए गए, जिसकी वजह से मैं असूम कर रहा हूँ कि ये 60 हर्ट्ज ही होने वाला है. तो ये भी एक अच्छी AMOLED है, एक अच्छा अपग्रेड आपको दिया गया है Note 9 S के ऊपर से. अभी आपने नामों से कंफ्यूज नहीं हो जाना, बिकॉज Note 9 Pro के बदले आ रहा है Note 10 Pro, जो कि सेम है. या तो Note 10 की बात जब कर लें, तो Note 10 के आपको जो अगर स्पेसिफिकेशन की बात कर लें, तो आपको मिल जाती है AMOLED, जो कि एक मेजर चेंज है. उसके बाद आपको मिल जाते हैं 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल के 2 सेंसर आपको मिल जाते हैं, एक मैक्रो और एक डेप्थ, और फ्रंट पे 13 मेगापिक्सल देखने को मिल जाता है. तो एज़ फार एज़ आई कैन अंडरस्टैंड ये Redmi Note 9S वाली कैमराज हैं, तो इसमें मुझे कोई मेजर डिफरेंस देखने को मिल नहीं रहा. इसमें हाँ, डिज़ाइन में आपको काफ़ी फ़र्क देखने को मिल रहा है, क्योंकि बैक इन्होंने पूरी चेंज कर दी है और बैक का जो कैमरा डिज़ाइन है वो आपको Note 10 Pro की तरह ही देखने को मिल रहा है. एक मेजर कैमरा है जो 48 मेगापिक्सल वाला है, उसको ज़्यादा जगह दी गई है, बड़ा सेंसर लगाया गया है. उसके बाद अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात कर लें, तो इसमें लगाया गया है स्नैपड्रैगन 678, जो कि आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देगा. ऑब्वियसली 730 जितनी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, तो इवन दो Redmi Note 9S में आपको 730 देखने को मिल रहा था, इसमें आपको 678 मिल रहा है, जो कि थोड़ा सा डाउनग्रेड है. लेकिन इसमें 4 या 6 GB की आपको रैम देखने को मिल रही है, 5000 mAh की बैटरी है, 33 वाट की चार्जिंग है, जो कि लास्ट ईयर 18 वाट की थी, ये अपग्रेड हो गया. और साइड पे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल रहा है. इसमें भी आपको 3 कलर देखने को मिल रहे हैं, ऑनिक्स ग्रे है, लेक ग्रीन है और उसके बाद पेबल वाइट है. अब मुझे ये लेक ग्रीन बहुत प्यारा लग रहा है, बिकॉज इसमें 2 शेड आ रहे हैं, ग्रीन का और वाइट का. ठीक है, उसके बाद इसकी अगर प्राइसिंग की बात कर लें, तो ये 3 वर्जन में आ रहा है, 4/64 में, 4/128 में और 8/128 में. अच्छा, तो बात कर लेंगे प्राइसिंग की, तो 4/128 वाला आपको पड़ता है $200 का, यानी तकरीबन 32,000 रुपये. और उसके बाद जो 8/128 है वो आपको पड़ता है $280 का, तो $280 तकरीबन 44,000 बनते हैं. अब ये 44,000 थोड़ा मुझे हाई लग रहा है, तो जिसकी वजह से मुझे शक पड़ा है कि ये यहाँ पे सिर्फ 4/128 वाले वर्जन में ही लॉन्च करेंगे, जो कि $200 यानी 32-33,000 के प्राइस टैग में आपको देखने को मिल जाएगा. और अगर ये 8 GB वाले वर्जन में आता है, तो ये आपको 44-45,000 में देखने को मिल जाएगा, जबकि Note 10 जो प्रो है वो भी सिमिलर प्राइसिंग में ही आपको देखने को मिल जाता है. तो आई एम नॉट श्योर कि ये इसको किस तरह से डील करेंगे. उसके बाद आपको फ़ोन देखने को मिल जाता है, जो कि इस वीडियो का दूसरा फ़ोन और ओवरऑल Redmi Note 10 सीरीज़ का तीसरा फ़ोन है, ये Redmi Note 10 S है. ठीक है, अब Redmi Note 10 S और Redmi Note 10 में कोई खास बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है. ये आपको सेम 6.43 इंच के AMOLED डिस्प्ले के साथ देखने को मिल जाता है. उसके बाद आपने इसको सेम 5000 mAh की बैटरी, सेम चार्जिंग देखने को मिल जाती है. सिर्फ जो डिफरेंस है ना, वो 2 डिफरेंस आपको दिए गए हैं. पहला डिफरेंस है जो मेन कैमरा है, वो 64 मेगापिक्सल हो जाता है 48 के बजाय, बाकी सेम रहते हैं सारे कैमरास. फ्रंट का 13 मेगापिक्सल है, सेम एज Redmi Note 10. और जो डिफरेंस का में जो दूसरा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है, वो ये है कि इसमें जो परफॉर्मेंस है वो आपको मेजर एक अपग्रेड कह सकते हैं, बिकॉज इसमें हीलियो का, मतलब मीडियाटेक का हीलियो का G95 चिपसेट लगाया गया है और 6 या 8 GB रैम की ऑफर दी गई है, जबकि Redmi Note 10 में आपको 4 या 8 GB की ऑप्शन थी. उसके बाद इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, बाकी सेम है, कलर सेम है. प्राइसिंग का थोड़ा सा फ़र्क है, इसमें $230 से स्टार्टिंग है, उसकी $200 से स्टार्टिंग थी. अच्छा, तो इसमें जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि पाकिस्तान में ये 6 GB 128 GB वाला वर्जन लॉन्च करेंगे, जो कि $250 का है, यानी तकरीबन 39,000. तो मेरे ख्याल में ये 40,000 के अराउंड का फ़ोन होगा. और मतलब ये भी कंफर्म तो नहीं है कि सारे के फ़ोन ये पूरी सीरीज़ आएगी, लेकिन एज़ फार एज़ आई एम एक्सपेक्टिंग, अगर ये इस यहाँ पर आता है तो 40,000 के आसपास होगा, जो कि एक बहुत अच्छी ऑप्शन होगी. लेकिन आई वुड मतलब एक्सपेक्ट के अगर पोको के अराउंड इसको प्राइस की जा रही है, तो इसको कम से कम या तो
रिफ्रेश रेट बढ़ा देते या कुछ और करते। खैर उसके बाद आपको मिल जाता है रेडमी नोट 10 5G, बिकॉज़ ये एक 5G वाली लीग में चला जाता है। तो इसका जो मतलब आपको डिफरेंस ही देखने को मिल रहा है नॉर्मल रेडमी नोट 10 सीरीज से, तो इसमें आपको मिल जाती है एक LCD, ये जो है एमोलेड नहीं है, LCD है, 6.5 इंच की है और ये 90 हर्ट्ज़ तक सपोर्ट करती है, जो कि काफ़ी स्मूथ होने वाला है। हालांकि जो बाकी बीच में रेडमी नोट 10 और नोट 10S हैं वो दोनों ही 60 हर्ट्ज़ के एमोलेड डिस्प्लेस के साथ आते हैं। उसके बाद जो इसमें चिपसेट लगाई गई है वो टोटली डिफरेंट है, ये मीडिया टेक की डायमेंसिटी 700 लगाई गई है जिसमें 5G बिल्ट इन आता है, तो ये 5G की वजह से इसमें लगाई गई है। उसके बाद आप बात कर लें तो कैमरे की, तो कैमरे इसमें 3 आते हैं, 4 नहीं आते, इसमें 3 आते हैं। 48 MP का मेन कैमरा है, 2 MP के मैक्रो और डेप्थ सेंसर हैं, ठीक है। और उसके बाद फ्रंट पे आता है 8 MP का सेल्फी कैमरा, जो कि आपको मतलब विजिबल हो रहा है कि ये जो है फ़ोन ये उन दो तीनों फ़ोन से डाउनग्रेड है, सबसे नीचे होने वाला है फ़ोन। लेकिन क्योंकि इसमें 5G है तो इसकी प्राइसिंग वही 32,000-34,000 के अराउंड होने वाली है। तो आई एम नॉट श्योर ये यहाँ आएगा भी कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो 5G वाला सीन नहीं है, बट अगर प्रमोट करते हैं तो ये 5G की बेस पे प्रमोट होगा। बाकी इसकी बैटरी 5000 mAh की है, चार्जिंग 18 वाट की है, 33 की नहीं है, और उसके बाद साइड पे फिंगरप्रिंट स्कैनर है। कुछ खास इस फ़ोन में मतलब मुझे तो नहीं लग रहा सिवाय 5G के, तो ये इस वजह से जो है ना ये इसको एक्सपेंसिव रखा जाएगा अगर ये आता है तो, पाकिस्तान में आता है तो या अगर ओवरऑल मैं Redmi Note 10 सीरीज़ के बारे में अपना वर्डिक्ट दूँ या बात कर लूँ, तो मेरे ख्याल में जो अगर 50,000 के अंदर अगर आपको Redmi Note 10 Pro देखने को मिल जाए, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में बात की थी, तो आई थिंक दैट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो जो Redmi Note 10S है, आई थिंक वो एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन सकता है। Redmi Note 10 जो सिंपल Note 10 है वो भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन सकता है। लेकिन अगेन मैं वही बात करूँगा कि आप अगर 40,000 की प्राइस टैग में देख रहे हैं तो क्योंकि ये डायरेक्टली पोको X3 से कम्पीट करेंगे, तो फिर बात आ जाती है कि आपकी प्रेफरेंस क्या है। आपकी प्रेफरेंस अगर स्क्रीन क्वालिटी है तो आप Redmi Note 10 सीरीज़ की तरफ जाएंगे, और अगर आपकी प्रेफरेंस स्क्रीन रिफ्रेश रेट है, स्मूथनेस है, थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो फिर आप पोको X3 की तरफ जाएंगे, क्योंकि पोको X3 में 120 हर्ट्ज़ की LCD आती है जबकि उनमें AMOLED देखने को मिल जाती है। तो आई होप कि यू गाइज़ विल मेक द राइट डिसीजन, एंड आई होप कि Redmi इन फोन्स को लाइक अच्छी प्राइस टैग्स में पाकिस्तान में लेकर आएगा, जिस तरह के लास्ट ईयर में देखने को मिला था Redmi Note 9 सीरीज़ के बारे में। तो आई होप दैट वर्क्स आउट। बाकी इस वीडियो में आई थिंक और कुछ खास ऐड करने वाला नहीं है, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।